कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। इसीलिए अगर उम्मीद रखोगे तो जरूरत से ज्यादा ही पाओगे। दोस्तों, ये कहानी आपके लाइफ में एक अहम भूमिका निभाएगी, इसीलिए पूरी समझने के लिए कहानी मान तक जरूर बने रहें। रात्रि का समय था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। बस एक ही कमरा ऐसा था जहां से सिर्फ रोशनी आ रही थी, क्योंकि उस कमरे में चार मोमबत्ती जल रही थी। एकांत देखकर चारों मोमबत्ती आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूं। जब मैं इस दुनिया को देखती हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। चारों ओर मारपीट, लूटपाट और अशांति फैली हुई है। ऐसे में यहां रहना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं यहां नहीं रह सकती। इतना कहकर वह मोमबत्ती बुझ गई। अब दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूं, धोखा, बेईमानी और झूठ से लोगों को अपनों के प्रति विश्वास उठता ही जा रहा है। ऐसे में मैं यहां नहीं रह सकती, मैं भी जा रही हूं। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी और उदास थी। वह बोली, मैं प्रेम हूं, मैं हर किसी के लिए हर पल जलती हूं, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए समय नहीं है। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरी जगह ले रही है। लोगों में घृणा का भाव होते जा रहा है। अपनों के प्रति भी प्रेम भावना खत्म होती जा रही है। अब यह सहना मेरी बस की बात नहीं है, यहां से चले जाना ही उचित है। और तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। जब तीसरी मोमबत्ती बुझी ही थी, एक बालक उस कमरे में आया। मोमबत्ती बुझा देख वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। दुखी मन से वह बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधकार करके कैसे जा सकते हो? तुम सबको अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुम सबने मेरा साथ छोड़ दिया। बालक की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली, चिंता मत करो बालक, मैं आशा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जल रही हूं, तुम मेरे लोह से दूसरी मोमबत्ती को फिर से जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक खुश हो गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर लिया। दोस्तों, जीवन भी एक तरह नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा, कभी दुख आता है तो कभी सुख। जब कभी जीवन में अंधकार आ जाए, मन अशांत रहने लगे, विश्वास डगमगाने लगे और सब पराये लगने लगे, तो आशा की दीपक जला देना। जब तक आशा की दीपक जलता रहेगा, जीवन कभी भी अंधकार नहीं होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आपको रेगुलर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।